सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हूँ और ऑफकोर्स इस तरह के इवेंट्स के लिए मुझे रेडिंग को बुलाया जाता है इवेंट्स के लिए। अवार्ड शो का आयोजन किया गया है, बहुत बढ़िया अतिथि जी ने शो किया, सारे सेलिब्रिटी रखे आए थे, एक से बढ़कर एक थे सब। और ये जो फैशन शो और ये अवार्ड फंक्शन करके अखिलेश जो फीमेल को ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैं भी यही चाहूँगा कि हर एक अपना हुनर दिखाए। मेरी भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट, हमारी कंपनी अखिलेश जी को हमेशा हर जगह पिछले कई साल से सपोर्ट करती है कि वुमन एम्पावरमेंट के लिए कहीं पे भी उनको आज भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर, माय कंपनी इज देयर। मेरी वाइफ की कंपनी है beyatra.com, वो भी आती है इनके यहाँ पे फंक्शंस में। आज हमारे तीन तीन फंक्शन से वुमन एम्पावर में अपना खुद के दम पर जो फीमेल खड़ी रह के आज इंडिया हम सब एक, आज की तारीख में तो आप देखिए ना कि एयरफोर्स में भी और हर जगह लेडीज आने लगी है। तो मैं यही चाहूँगा, सबको शुभकामना भी दूंगा, सब आइए, सब मिलजुल के काम करें। हमारी फ्री होटल स्टे की सर्विस जो मैं इनको सबको देता हूँ वो सब फ्री होटल स्टे 2 नाइट 3 डे भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स में। आज मैंने पंचगनी की समर प्लाजा 4-star होटल में सबको फ्री होटल स्टे दिया है, करीब करीब 15 वाउचर दिए हैं, गिफ्ट वाउचर दिए हैं, हर टाइम 15-20 वाउचर रहते ही है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल हमारी कंपनी का मेन काम यही है, पैकेज टूर का, होटल एंड रिसोर्ट्स का और डेस्टिनेशन वेडिंग का। किसी को कुछ भी कोई भी सेवा चाहिए तो हम उनसे कॉन्टेक्ट करें, गौरंग बैंक। थैंक यू। मंशा मैगजीन की एडिटर, और आज का जो कार्यक्रम था ये अखिलेश जी ने जो ऑर्गेनाइज किया, ही इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, और इनके हर इवेंट में हम पार्टनर्स होते हैं। और मेरी ये पूरी टीम है जो आपको ब्लैक कपड़े में नज़र आ रही है, हमारी टीम हमेशा इवेंट्स में पार्टनरशिप करती है और काफ़ी कुछ काम करती है, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और बाय द वे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इनको, मिस नूतन, शी इज़ अ पार्टनर ऑफ माई,
और ये अभी एक अपकमिंग प्रोड्यूसर है, इन्होंने अभी एक चैनल लॉन्च किया है और बहुत जल्द ही मार्केट में हिंदी एल्बम लेकर आने वाली है, जिसके बारे में मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन बूम ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आप कुछ कहेंगे? नहीं, सब आने के बाद। अच्छा एक चीज़ है, मुझे एक बार मेरी सारी टीम के साथ में एक ये चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मंशा मैगजीन प्लीज़ एक बार आ जाओ। ये भी एक है और मैं अखिलेश जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे इवेंट करे और नए लोगों को आने के लिए, आगे आने के लिए अप्रिशिएट करे। सो थैंक्स अ लॉट अखिलेश जी। थैंक यू, थैंक यू। रोल। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा माथुर, क्रिस्टल बॉल गेजर, टैरोट मास्टर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही है। अखिलेश जी ने जो प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड जो दिया हुआ है, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ और एज ए ज्यूरी मेंबर मैं बहुत ही सराहना करती हूँ कि उन्होंने जो आज ब्यूटी पैटर्न किया है उसमें सारे कंटेस्टेंट इतने कॉन्फिडेंट और इतने अच्छे थे। मुझे लगता है कि ये दिन ब दिन और अच्छी बात होती जा रही है। थैंक यू सो मच अखिलेश जी फॉर इन्वाइटिंग मी एज ए ज्यूरी मेंबर एंड गिविंग मी प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड। फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके भविष्य के लिए क्या नजर आता है? देखिए क्या है ना कि मौका जो है ना वो बहुत कम बार मिलता है, लेकिन अगर ऐसा इंसान आपको ज़िंदगी में मिल जाता है जो आपको एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म देता है तो वैसे इंसान के चलते जरिए आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। तो मैं तो ये सराहना करती हूँ अखिलेश जी की कि उन्होंने एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी जगहों से लोगों को लाते हुए तराश भी उनको इतने अच्छे से पॉलिश करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए वो दुनिया भर में चलते हैं। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, मैं नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला और डॉक्टर सेल और एनसीपी और एनएमसी ऑल इंडिया की को चेयरमैन हूँ आईटी सेल और सोशल मीडिया की। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हर साल अखिलेश जी हमें यहाँ बुलाते हैं और हमारे लिए भी बहुत मनोरंजन का विषय होता है। हम यहाँ आते हैं हर साल नए नए टैलेंट्स देखते हैं, कभी तो साल में दो बार भी हम यहाँ आते हैं और बहुत ही अच्छा टैलेंट देखने को मिलता है। स्पेशली इस टाइम तो बच्चे भी उसमें शामिल हुए थे और बच्चे अपना फ्यूचर है, अपने देश का फ्यूचर है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि उनको इतने कॉन्फिडेंटली वो यहाँ पर आए और मुझे तो लगता है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चे जो इतना कॉन्फिडेंस है कर रहे थे सब चीज़ें। और जैसे भी मैं महिलाओं से हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे आई थी, मतलब मिस वर्ल्ड सिंह के लिए भी आई थी या मिसेस के लिए भी आई थी। तो बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत सबके चेहरे पे बहुत ही अच्छा स्माइल था और कॉन्फिडेंस तो इतना था, मतलब हमें भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एंड अखिलेश जी ऑल द बेस्ट टू यू, हर साल करते हैं ऐसे ही करते रहिए और हमें जज के तौर पर बुलाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'm a fashion designer, Ritu Goyal. Thank you so much to Mr. Akhilesh for this beautiful award. So Akhilesh ne bahut hi acha kaam kiya hai ye award functions rakke. Jo ladkiyan hai they were really confident and sab unhone hi groom kiya hai, unki mehnat hai usme. I wish all the best to Mr. Akhilesh for this award show and future mein unke sath bahut sare kaam karne, isse bhi bade show karne hai. Thank you. Aaj kitna support raha hai aapka? बहुत सपोर्ट रहा। पहली बार जो कॉस्ट्यूम्स था बहुत ब्यूटीफुल था, पर लड़कियों ने जिस तरीके से कैरी किया दैट वाज रियली एक्सीलेंट। कुछ बताया गया था कॉस्ट्यूम के बारे में आपको, ये थीम करना है? नहीं, उन्होंने सब मुझे बहुत लिबर्टी दी थी कि आप कुछ भी रख सकते हो, तो जो जिस पे अच्छा लगा वी केप्ट लाइक दैट। थैंक यू। चलो आ जाओ। स्टोर इन एमजी रोड इन द सोसाइटी मोदा मानते, हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। आई होप सभी लड़कियाँ सब कोई आए वहाँ पे एंड और अच्छे दिखे। थैंक यू।
क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, महाराष्ट्र डे पर बहुत दिनों से हमने प्लान किया था कि कुछ अच्छा किया जाए, क्या किया जाए, एक जो आप डिजाइनर से करना था। तो जैसे चर्चा करते हैं, मैं और दीप्ति जी ने चर्चा किया, तो फिर ये निकल के आया कि प्राइड ऑफ इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड 2022 जो कि हमने अगले साल किया था, 2021 में किया था, तो वो अवार्ड शो आज यहाँ पे हुआ और मिस एंड मिसेस फेस ऑफ मुंबई 2022 आज यहाँ पे हुआ और जिसका विनर हुई शिवानी चौधरी मिस में, मिस कैटेगरी शिवानी चौधरी जिसकी विनर रही। तो बड़ा ही वंडरफुल जर्नी रही, बड़ा ही पेन था आज, और तकरीबन दो दिन से हम सोए नहीं हैं, सबके सब पूरी की दो दिन से सोए नहीं है, और अब घर जाके बहुत आराम करूँगा, सोऊँगा। और कुछ जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना गुरु ने दिया, आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया, बताया जाए? गुरु ने तो हम लोग ने काफ़ी उन लोग को कैटवॉक और कैसे खड़े रहना है, कैसे बोलना है, आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, पूरी तैयारी हम लोगों ने इनको सिखाया था मैडम सिचुएशन। उसके बाद सब लोग उस सब कंटेस्टेंट के अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, बट बोलते ना बिना तो एक ही होता है। तो आज हमारे साथ में मिस शिवानी चौधरी, जो मैं सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो वलसाड़ से यहाँ पर स्पेशली ये फेज ऑफ मुंबई के लिए आई थी और आज वो मिला। सिद्धेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जजिंग का ही बताऊंगा। एक्चुअली जजिंग कैसे होता है कि अगर 5 से 6 जज हैं तो उनका एवरेज निकाला जाता है वोटिंग के इससे, तो अगर 4 जज ने एक ही इसको वोट दिया है तो वो काउंट होता है, 1 जज ने किसी और को वोट दिया तो वो काउंट नहीं होता है। तो पहले मुझे वो जजिंग का बताना है कि, और आज जो जजिंग हुआ वो बहुत फेयर हुआ है, एवरी वन वॉज टोटली डिजर्विंग। अभिनेश भाई, आज कुछ लोगों को अवार्ड भी दिया गया है, बताना चाहेंगे अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? तीन लोगों को अवार्ड प्राइड ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड जो कि पिछले सीजन में भी दिया था, मैं अलग अलग क्षेत्र में महाराष्ट्र डे होने के कारण ज़्यादातर लोग सोशल वर्कर थे और इंडस्ट्रियल थे और बॉलीवुड से भी काफ़ी सारे लोग थे, जिससे तकरीबन 100 लोगों को आज ये प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथ में मिस एंड मिसेस फेस ऑफ मुंबई भी हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली डन हुआ आज हमारा। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने आगे कोई पेजेंट या कोई ब्यूटी पेजेंट वगैरह कोई शो नहीं किए, मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं यहाँ पर विनिंग हो रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और स्पेशल थैंक्स फॉर दीप्ति मैडम, आज उनके थ्रू मैं यहाँ पर आई हूँ, उन्होंने शायद मुझे नहीं बताया होता इस बारे में तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, तो थैंक यू सो मच। एंड मेरे पापा जो मेरे साथ ट्रैवल करते थे, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे साथ रात भर जागे हैं और यहाँ तक आए हैं, सो थैंक यू सो मच डैड एंड सर, सिद्धेश सर एंड अखिलेश सर, सो थैंक यू सो मच सर। अखिलेश जी, जो विनर है उनको लेकर कोई प्रोजेक्ट पर आगे काम करना? श्योर, मैं हमेशा से जितने भी मेरे सीजन हुए हैं, विनर हुए हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ करता ही, म्यूजिक वीडियो वगैरह जैसे भी तो आगे भी फ्यूचर में है लेके करने के लिए। अब आगे देखते हैं कि इनका कितना कॉम्पिटिशन रहता है, कॉपरेट रहता है, ये कितना चाहते हैं कि हम मुझे आगे बढ़ना नहीं रहना, कुछ लोग थैंक यू भाई। और यूके की यूनाइटेड किंगडम की वहाँ की रहवासी NRI और मेरे कॉल के आते थैंक यू सो मच। आप परिंद जी बताइए। जी मैम बताइए, आज के शो के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सबको, हमारे बारे में आई वुड लाइक टू से वेरी बिग थैंक यू टू अखिलेश जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स अ रियली प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर। आई हैव टू से टुडे द इवेंट वाज अमेजिंग, इट वेंट परफेक्टली वेल, एवरीथिंग वाज सो गुड एंड प्रीति एंड दीप्ति जी जो ग्रूमिंग कर रहे हैं अपने कंटेस्टेंट को, ब्यूटीफुली दे हैव डन द ग्रूमिंग एंड आई थिंक इट वाज अ फेयर डील। विनिंग एंड लूजिंग is a part of the game, so I think to come here and take a part is the biggest challenge everybody has taken. So if we are not the winner for this time, I'm sure next time you'll be the winner, because you'll work more harder and harder, so you will be the first winner. So I think be happy, be success, be content and be satisfied, and I think by doing that you will feel good in your heart and you'll be happy. When you are happy, others will be happy and they will be inspired by your role model. So I can say that, as I gave you the example of the beautiful team
contestant. She was a second runner-up, the first runner-up, and she was a winner, but she was still confident. So I don't think so we should lose our confidence. I think by doing that, we all are successful. Thank you very much, and bahut bahut shukriya once again, Akhilesh, for having been here. Amazing program. Keep doing it and keep inspiring people. Professionally a doctor, and have spent all my life in medical practice. So this is a very different trend and new venture that I have got into, and feel extremely happy. I am 53 years old, so at this age to go ahead and win a pageant is a huge thing, and I think I would like to inspire more women like me to come forward and accept challenges and perform under the spotlight. This age, I believe, is just a number. Thank you. I would like to extend great thanks to both Siddhesh sir and Deepthi ma'am. They are wonderful coaches, and I'm standing here today totally because of them. So I owe my success to them, and I owe my success also to Akhilesh sir, because of this event I'm here and in front of you. So thank you. Thank you. Yes, good. कैसा फील कर रही हैं आप? आज आपको ये ट्रॉफी मिली, क्राउन मिला, सैसे मिला, चॉकलेट मिला, क्या क्या मिला और क्या क्या चीज, कैसा फील कर रही हैं? आपकी रोल मॉडल कौन है, आप जिससे इंस्पायर ट्रॉफी यहाँ पर? दीप्ति जी कैसा सिखाया? मैंने शो कैसा किया? थैंक यू गाइस. आप बड़े होंगे, क्या करोगे? क्या करोगे बड़ोगे? वाओ, थैंक यू. This wonderful event, Pride Excellence Awards, and Mr. and Mrs. Mumbai 2022 Awards, chala tha, bahut acha tha, and everybody loved it. The contestants ka confidence bahut acha tha, unko jinhone groom kiya tha, Sudesh and Deepthi, ne bahut acha kaam kiya. We loved them, and jo designers the bahut acche the, and सबसे पहले अखिलेश जी हमेशा लाइक ब्लॉकबस्टर इवेंट्स ही करते हैं, बेस्ट लोगों को लेके आते हैं. वी लव इट, एंड मीडिया पार्टनर है हमारे इस इवेंट के मामी का, और उनका मैगजीन है मंशा मैगजीन. हाय गाइस, बहुत अच्छा लगा. अखिलेश जी की ये बात सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि ये हर नए नए लोगों को चांस देते हैं कि आगे आए, कुछ करें, और जिस तरह से इवेंट करते हैं, जैसे फैशन शोज लाते हैं, नई बच्चियां जो आ रही हैं यहाँ पर रैंप पर, एक एक्साइटमेंट होती है उनमें, वो एक्साइटमेंट के साथ में रैंप पर चल रही है. इट्स वेरी प्राउड ऑफ अस, और अखिलेश जी की तारीफ में जितना भी कहा जाए वो कम है. अखिलेश जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी इवेंट आप करते रहे, और सिद्धेश जी का काम तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, और दीप्ति मैम बाकी में और जैसे कि मैम ने कहा कि ऐसे इवेंट हर बार करते हैं, तो अगली बार कब करना है? नहीं, मेरा और माही खान जी का कोलैबोरेशन बहुत दिनों से है, और कई इवेंट हम साथ में कर चुके हैं, और आज भी इनका सपोर्ट रहा, काफ़ी सपोर्ट रहा है, जिसके लिए मैं इनको एक नए दिन से धन्यवाद करना चाहूँगा. खास करके रमज़ान का महीना चल रहा है, उसको भी यहाँ पे आना उसके सुबह से आए हुए थे, सोल अगर अच्छा हो तो अच्छा ही होता है, तो ईमानदारी और ये बड़ी जरूरी होती है, जिसकी वजह से हमारा दिन बढ़े डे बाई डे एसोसिएशन बढ़ता ही जा रहा है, तो ऊपर वाले का शुक्र है. धन्यवाद. हाँ, और प्लीज़ मैं सबको कहना चाहती हूँ रमज़ान ईद की मुबारकबाद, आप सब लोग को बहुत 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 मुबारक हो. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर सर अखिलेश सर का, उन्होंने अपने इवेंट में मुझे मौका दिया पार्टिसिपेट का, और मैं आज और मेरे को गाइड करने वाले ट्रेन करने वाले दीप्ति बोरा जी हैं, जिन्होंने मुझे रनिंग कोच की तरह अच्छा सा ट्रेनिंग दिया, और अच्छा इस पोजिशन के लिए इसका दिल बनाया कि मैं आज जगह की हूँ. तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपके पास कम समय था सर, उसने बताया कि काफ़ी कम समय में आप कैसे कितना ग्रूमिंग किया आपने? काफ़ी कम समय था, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम दे के, बोलते हैं कि दिन के 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे रात के और 12 घंटे दिन में, तो हम लोगों ने 8 घंटे ट्रेनिंग दिया इनको। और अखिलेश जी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि नहीं आप ट्रेनिंग दो और उनको करो, तो 8-8 10-10 घंटे उनको ट्रेनिंग दे के उनको काबिल बना रहे हैं इसके लिए, और अच्छे से किया और उन्होंने भी अच्छे से परफॉर्म किया। मैं फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान, और मैं यहाँ आया हूँ तो सर ने जो मेरे को मौका दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और अच्छा मुझे इसके लिए। आज का शो बहुत ही बेहतरीन हुआ, और काफ़ी कंटेस्टेंट बहुत दूर दूर से आए थे, कोई वलसाड से, कोई चित्तौड़गढ़ से, कहाँ कहाँ दूर से आए थे स्पेशली ये टाइटल पाने के लिए, फेस ऑफ मुंबई। बोलते कि मुंबई एक ड्रीम सिटी है, सबके ड्रीम यहाँ पर पूरा करने के लिए जब यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये आप समझ सकते कि ये शो कितना गजब का रहे, और बहुत अच्छा ये शो है। आप लोगों के पास कितना समय था ग्रूमिंग करने के लिए? ग्रूमिंग करने के लिए हमारे पास टाइम काफ़ी कम था, बट कम टाइम में भी हम लोगों ने अच्छे से, मैंने और सिद्धेश ने अच्छे से ग्रूमिंग करवाया, और अखिलेश जी सर ने हमने जो जो उनको बोला कि हमें अच्छे से स्टूडियो में ये करो, अभी गर्मी का माहौल है इतना, तो प्रॉपर हमें अच्छे से एसी स्टूडियो में ला के उन्होंने ग्रूमिंग के लिए, ताकि कोई भी कंटेस्टेंट बहुत फ्रेश अच्छे से ग्रूम हो सके और उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल सके, तो उन्होंने भी हमें पूरे का पूरा सहकार किया। जैसे कि इस बार कुछ नया था, बच्चे भी स्टेज पर थे, तो उनके बारे में बताइए कि उनके लिए उनको ग्रूमिंग करना कितना मुश्किल रहा? बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वैसे ही जितना हम लोगों ने उनको सिखाया, जैसे जैसे हम उनको बोलते गए उन्होंने वैसे वैसे करते गए, हमें बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि ये आज के जनरेशन के बच्चे हैं, इतने फास्ट सीखते। उसमें से जो हमारी मेन विनर हुई, जो लड़की विनर हुई, वो तो वैसे भी मिस यूनिवर्स का ही ड्रीम लेके आई थी यहाँ पर, तो उसको ट्रेन करना तो ऐसे लगता है कि कल जाके अगर यहाँ पर अखिलेश जी सर के यहाँ पर वो फेस ऑफ मुंबई बने, और बहुत जल्दी फेस ऑफ इंडिया भी बने, कि वो बच्चे के मुँह से भी निकल गया। किस तरह से ऑडिशन लिया इन लोगों का बताना चाहेंगे? सेम बहुत सारे आए थे एक्चुअली, लेकिन हम लोग ने बहुत सारे, क्योंकि अवार्ड शो भी था इसलिए हम लोग ने 5-5 ईच कैटेगरी में सिलेक्ट किए, और भी दो बच्चे आने वाले थे बट आई थिंक कोई रीज़न से आ नहीं सके, बट यस ओवरऑल शो वॉज वेरी गुड, एंड अखिलेश जी का एज यूजल एवरी ईयर सपोर्ट होता है, और 3 साल से हम ये कर रहे हैं अखिलेश जी के साथ पैजन इज अलॉन, तो बहुत सपोर्ट एंड आई होपफुली और भी करेंगे कम्युनिटी। थैंक यू।